क्वेश्चन है इन डाइकॉट स्टेम्स वेस्क्यूलर बंडल्स आर ऑप्शन ए स्कैटर्ड, ऑप्शन बी हॉलो ऑप्शन सी अरेन्ज्ड रिंग ऑप्शन डी इज क्लोज इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने यहां पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डायकॉट स्टेम्स का डायग्राम लगाया है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये वेस्क्युलर बंडल्स हैं अरेन्ज किए गए हैं तो वैस्क्यूलर बंडल्स इन डायकॉट स्टेम आर अरेज इनिंग राइट प्लस दूसरी बात आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि वैस्क्यूलर बंडल में ये ब्लू कलर से जो दिखाया है दिस इज नन अदर देन फ्लोइम और नीचे ये जो दिखाया है दिस इज जाइलम जाइलम और फ्लोयम के बीच में येलो कलर से जो एक टिश्यू दिखाया है दैट इज कैम्बियम ऐसा वाला वेस्क्युलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोयम एक साथ हो ऐसे वाले वेस्क्युलर बंडल को हम कनजॉइंट वैस्क्यूलर बंडल बोलते हैं और अगर जाइलम और फ्लोइम अलग अलग एंड्स पे हो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाइलम टूवर्ड्स द इंटीरियर साइड और फ्लोयम पेरेफ्री की तरफ है एपिडर्मिस की तरफ है मतलब एक एंड पे फ्लोयम दूसरे एंड पे जाइलम ऐसे वाले वैस्कुलर बंडल को कोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं और तीसरी बात यह है कि जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है दोज वैस्कुलर बंडल्स इन विच कैम्बियम लाइज बिटवीन जायलम एंड फ्लोयम आर नोन एज ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अगर कैम्बियम नहीं होता तब ये होते क्लोज वैस्कुलर बंडल्स तो हम बोल सकते हैं कि डायकॉर्ड स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स ओपन है कंज्वाइंट है कोलेट्रल है और ये रिंग में अरेंज रहते हैं देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऑप्शन सी अरेंज्ड इन अ रिंग होगा